तो हे गाइस, इट्स मी अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैकिंग अनबॉक्सर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, आप लोग देख के ये हैरान हो रहे होंगे तो मैं कहाँ पे हूँ। वेल, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को तो पता ही है कि मैं अभी बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरा खुद का एक शॉप है जो कि है राधा कृष्णा स्टोर्स। आप लोगों का प्यार और दुआओं की वजह से मैं अपना एक बिजनेस मतलब कि स्टार्ट किया हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है मेरा दुकान का बाहर का कुछ नजरिया और मैं अभी मतलब कि मेरा दुकान पे रखा हूँ। अगर मैं आपको जूम करने के दिखाने का कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट वॉच का बहुत सारा कलेक्शन, ईयरबड्स, एयरपॉड्स, ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो वायर्ड ईयरफोन है और आपको यहाँ पे बहुत सारे ईयरफोन मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ नेक बैंड्स भी है जैसे कि बोट रॉकर्स हो गया, बोट टॉनिक हो गया, हेमरेन हो गया, हाईटेक हो गया, और भी वायर्ड है, पावर बैंक है, पेट्रोल का भी कुछ कलेक्शन है, हेमरेन का है, हेमरेन है, और आपका एरोमा है, पंख फंक है, बोट का वायर्ड भी कुछ कलेक्शन में रखा है, साउंड का चार्जर है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। रिपेयरिंग बहुत सारा आप लोगों को मैं जूम करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा डेटा केबिल है, बहुत वेरिएंट का कंपनी का यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रखा है, और भी बहुत सारा चीज़ है लाइक एयर ड्रायर है, स्ट्रेटनर, ट्रिमर, स्मार्ट बल्ब, ठीक है, 2.1 चैनल वाईफाई नेट कैमरा होता है वो है, और यहाँ पे छोटा वाला फ़ोन है, फीचर फोन है, ओवर द ईयर हेडफोन है, आयरन है, इमर्शन हीटर है, कीबोर्ड, माउस, वायरलेस माउस, वायर माउस, साउंड बार, साउंड स्पीकर, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं एक बार बाहर से आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये मेरा डेस्क है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। ये एक्चुअली ब्लॉग टाइप है, मेरा बिजनेस का जो मतलब कि कुछ नज़रिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सीसीटीवी मैंने लगवाया है जो कि सीपी प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मिल्टन का कुछ प्रोडक्ट मैंने रखा है। यहाँ पे आपका आयरन वगैरह भी रखा है, रोड के ऊपर ही है तो इसीलिए साउंड तो आएगा ही। और ये कुछ डेकोरेशन है, आपको बाहर से देखने का कोशिश करूंगा। जो कि कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये छोटा सा दुकान है जो अभी बिजनेस में कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये बिजनेस नहीं रहेगा। आप लोग ऐसे बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। तो चलिए आप लोगों के साथ कुछ बातें और मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये बिजनेस स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था कि यूट्यूब को तो मैं एज आ मतलब कि पार्ट टाइम के लिए ही इसको यूज कर रहा था, मतलब मैं वीडियो बना था, और टेलीग्राम चैनल भी अभी तक है, मैं छोटा मोटा एफिलिएट भी करता था, बस उससे कुछ खास अर्निंग नहीं हो रहा था। और मेरा पापा का भी बिजनेस है तो पापा बोल रहे थे कि आप जॉब कर लो या फिर और कुछ नया धंधा कर लो, कितने दिन यूट्यूब पे खींचते रहोगे, और यूट्यूब पे ऐसा कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। अभी अगर मैं मतलब कि ऑनलाइन की मार्केटिंग की बात करूँ, मतलब ऑफर की दुनिया की बात करो तो कुछ ऐसा एज कुछ ऑफर भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा। आप लोगों को कुछ वीडियो भी तो देना है ना, खाली पीली तो मैं बैठ के नहीं रह सकता, इसलिए मैं सोचा कि चलो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते। इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है, और रही बात जो कुछ ऑफर की, तो ऑफर में प्रोडक्ट तो मिलता है बट पहले के जैसा पेटीएम कैश का ऑफर या फिर जो लूट आता था वो उस टाइप लूट अभी तक नहीं आता है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो वीडियो ही बना लिया जाए, इसके रिगार्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ अंदाजा भी लग जाए। अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो ये सही वक्त है, आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। मेरा मानो तो बिजनेस ऐसा एक पोटेंशियल है जहाँ पे आप लोग अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। लाइक मैं अभी एक पार्सल अभी मैं प्रिपेयर करूंगा जो कि ये है नॉइस का स्मार्ट वॉच, ठीक है। ये मैंने खरीदा था 1100 रुपये में, इसको मैं सेल कर रहा हूँ 1250 रुपये, ठीक है। तो ये ऐसा आप सेल कर सकते हैं, मतलब दुकान में अगर आप लोग अच्छा खासा मतलब कि प्रोडक्ट स्टॉक करते होंगे तो आप लोगों का प्रोडक्ट बिक जाएगा। अभी आप लोग बल्क क्वांटिटी में लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर ऑफर चाहे जो भी आप लोगों को ऑफर मिलता है, मैं खुल के नहीं बता सकता, कुछ बिजनेस का एथिक्स है तो आप लोग समझ लीजिए। तो उस टाइप से ऑफर को लूट के भी आप लोग प्रोडक्ट अच्छा खासा मंगवा के रिसेल वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आपका शॉप वगैरह है तो वो भी मैं करता हूँ। और बस अभी चल रहा है, अभी मैं पैकिंग करूंगा, आपको मैं पैकिंग दिखाऊंगा, ठीक है।
अच्छा बातों बातों में भूल गया, मैं एयरटेल का ऑथोराइज बैंकिंग पॉइंट भी मेरा दुकान को बना दिया हूँ, तो देख सकते हैं राधा कृष्णा स्टोर, ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिचार्ज वगैरह भी कर लेता हूँ जो भी आता है, और मैं ट्रांजेक्शन जो की है बैंक ट्रांजेक्शन लाइक किसी का अकाउंट में पैसा उठाना, किसी का अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना, उसके लिए मैं 10 रुपया करके लेता हूँ, 1000 में 10 रुपया। ठीक है, तो इस टाइप से मैं काम वगैरह करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को पैकिंग करके, मतलब कि जो पैकिंग है कैसे मैं पैकिंग करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बज रहा है 12:04, तो चलिए मैं पैकिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी मैं पैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बज रहा है 12:13। ये रहा बबल रैप और ये रहा वो स्मार्ट वॉच, ये जाएगा ऑफिशियल ई कार्ड के थ्रू ही। तो मैं ऑफिशियल जो सेलर हूँ, अभिषेक क्रिएशन मेरा नाम है और कुरियर है ई कार्ड लॉजिस्ट की। तो देख सकते हैं बॉक्स ही जो है ई कार्ड का ही है, फ्रेश बॉक्स है। ठीक है, फ्लिपकार्ट लिखा है, बट हालांकि मैं फ्लिपकार्ट का सेलर अभी तक मैं नहीं बना हूँ, बट बॉक्स ये फ्रेश मुझे मिला है ई कार्ड से। तो ये नॉइस का स्मार्ट वॉच है जिसका प्राइस है 5999। ये मैं 1200 रुपये में सेल कर रहा हूँ, ये जा रहा है वेस्ट बंगाल नोदिया करीमपुर में। तो ये रहा टेप, ये रहा पैकिंग टेप, ये रहा शिपमेंट मैनिफेस्ट, ये रहा शिपमेंट लेवल नाइट सीजन और ये रहा बबल डस्ट। तो चलिए इसको पैकिंग करने का कुछ भी मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बबल डस्ट को इसमें 2 टुकड़े करूंगा, एक अंदर डालूंगा और जो स्मार्ट वॉच जिसके बीच में रहेगा, और एक बबल डस्ट ऊपर से रख के टेप मार दूंगा, और जो शिपमेंट मैनिफेस्ट है यहाँ से मैं फाड़ दूंगा नाइट से, और जो ये लेवल है लेवल जाएगा यहाँ पे, और ये रहेगा मेरे पास जब कुरियर आएगा, यहाँ से मैं उनको साइन करवा लूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एसी टाइम, मतलब जो फील्ड एग्जीक्यूटिव का नेम, उसका सिग्नेचर, फोन नंबर, टाइम, मेरा साइन, और कितना आइटम पिक हो रहा है वो आपने जानने के बाद स्कैन वर्क हो जाएगा, और जैसे कुरियर होता है 2 से 3 दिन के अंदर उनके पास पहुंच भी जाएगा ये कार्ड के थ्रू। तो चलिए पैकिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया, अब मैं कर लेता हूँ इसका पैकिंग। तो यार जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, ये प्रोडक्ट यहाँ पे पैक हो चुका है। तो ऑनलाइन में अगर मैं बात करूँगा तो ऑनलाइन से ऑर्डर अभी मतलब कि थोड़ा मोटा आ रहा ही है, उतना कुछ खास तो आ नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मीशो या फिर फ्लिपकार्ट अमेजन के साथ कोलैब करूंगा, मतलब कि वहाँ पे एज अ सेलर ऑनबोर्डिंग होगा। मुझे पता नहीं है कैसे क्या करना है, जीएसटी नंबर वगैरह चाहिए थी उसके लिए, तो मैंने अप्लाई करने का लिए सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर आप लोगों का माइंड में कुछ सजेशन है, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर बता सकते हैं। ये छोटा मोटा एक आप लोगों के लिए अपडेट था एज अ मिनी ब्लॉग, मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मेन मुद्दे की बात है, अगर आप लोग को बिजनेस करना है, क्या ये सही वक्त है बिजनेस करने के? डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हैं एज अ सेलर। आप लोगों का अगर अच्छा खासा नॉलेज है बिजनेस पे तो आप कर सकते हैं, या फिर आप लोग एज अ सेलर ऑनबोर्डिंग होने के लिए जो भी प्रोसीजर है आप लोग थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करके कर सकते हैं। अगर आप लोग लोकल मार्केट में, अगर आप जैसे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, या फिर चांदनी मार्केट है, दिल्ली में चांदनी चौक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा हब है, अगर आप वहाँ से अच्छा खासा सेलर से बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट और उठा लेते हो, और आप लोग थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर भी मीशो पे मतलब कि प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप लोगों को अच्छा खासा इनकम हो सकता है। यहाँ पे स्कोप है इनकम करने की, बट रिस्क भी है क्योंकि कस्टमर का रिटर्न भी आता है। बस ऐसा अभी तक मेरा कोई प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया, और मैं सीप रॉकेट मैंने मतलब कि कुरियर थ्रू यूज करता हूँ। सीप रॉकेट में बहुत सारा कुरियर लिस्टिंग है, ई कॉम एक्सप्रेस, ई कार्ड, डिलीवरी एक्सप्रेस बीस, मैं ई कार्ड और ई कॉम एक्सप्रेस को ही चूज करता हूँ क्योंकि इसमें वेट डिस्परेंसी नहीं आता। हालांकि बहुत सारा बातें हैं, मैं दूसरे किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले तो ये मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए बहुत दिन सोचा तो हो नहीं पा रहा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो के साथ साथ अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो बस मिलते हैं इसी से वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, सलामत है, जय हिंद, वंदे मातरम।